कलंक है, कलंक कलंक है, देश के नाम कलंक है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे यार काट काट दो उधर, तुम लोग थोड़ा पीछे कर ले, थोड़ा सा आ जाए ना, इधर तू भी इधर कर ले भैया, सब आ जाएंगे। मैं बात अंशु की नहीं, महाराज शरीर सबका है। अभी रोकना जरा, एक हाथ में हाथ में पड़ा है, कोई बना है वो आपके, तो वैसे भी ना आवे वो, तो खाना खाना के लिए पीछे किस मुद्दे को लेकर के आपने तहरीर दी? देखिए वैसे ये मुद्दा तो दो दिन पहले का है, लेकिन हम लोग पहले से ही सक्रिय थे और यहाँ का प्रशासन है वो हम लोगों के साथ में था, और हम लोग चाह रहे थे कि जो प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्वक जो है उन्होंने, इस तरह से आप मानिए कि उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने जो बयान दिया है इस बात को पूरा जगत जानता है, संसार जानता है कि भगवान कृष्ण हमारे संसार के रचयिता हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, और उन्हीं भगवान के प्रति हम इस भावना से अभद्र टिप्पणी करें तो क्या मानेंगे बताइए। तो हम लोग बहुत जो है आक्रोशित थे, दो दिन से चल रहे थे लगातार, और आज बड़ी प्रसन्नता है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ में जो हम लोग यहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए आए वो यहाँ पर जो है हमारे प्रशासन ने सुनी है और उसको FIR को दर्ज करने के लिए कहा गया है, और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। की आस्था के केंद्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई है। 15 साल से प्रदेश की जनता बलात्कार अपहरण सब चीजों से त्रस्त थी। जैसे ही हमारे योगी जी आए, उन्होंने महिलाओं की और बहन बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जो कि हर जगह अपने काम में लगा हुआ था, पर इन लोगों पर सरकार के अच्छे काम भी पचे नहीं, तो इन्होंने इस स्क्वाड की तुलना भगवान कृष्ण से की और कहा, और योगी जी को इन्होंने चैलेंज दिया कि अगर कि मतलब ये अपने स्क्वाड का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रखें, और इन्होंने हम सबके आस्था के केंद्र भगवान श्री कृष्ण की तुलना रोमियो से की। आप जानते हैं कि ये जो रोमियो है, कृष्ण जी ने जो किया था वो रास था, और जो रोमियो है इससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। रोमियो की वजह से आज कितनी बहन बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हैं, घर से नहीं निकलने को मजबूर हैं, घरों में कैद हैं, इसकी तुलना एकदम बेमानी है, और हम सब वृंदावन की जनता कड़े शब्दों में इसका विरोध करते हैं, और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि प्रशांत भूषण को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और रासुका लगाई जाए इस पर। उन्होंने टिप्पणी की है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, क्या कहेंगे आप, थाने में किस लिए आए? हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रमाण है, संत संभ श्रीपति अपवादा, जहाँ सुनो असमर जादा, काटो जीव जो बसाए सर्वण मोन तब चलो पढ़ाए। तो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो विरोध करता, पार्वती जी का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्वती जी कह रही हैं जो बस चले तो जिभ्या काट लेना चाहिए,
नहीं तो कान मूंद के चले गए बच्चे। हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जिस तरह से बोला है, मैं तो चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को जूते से मुंह तोड़ जवाब दे, मुंह तोड़ देना चाहिए, उसे नाक कान काट देना चाहिए। थाने में आज तहरीर देने आए उनके खिलाफ? थाने में हमारे बहुत धार्मिक विचार के हैं प्रभारी जी, उन्होंने अपना व्यक्तिगत थाने के साथ में अपना कहना व्यक्तिगत, उन्होंने कहा मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं आप लोग एफ आई आर दर्ज करके आगे कार्रवाई करूँगा।